अनुपमा सीरियल में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पाथी और आदिक के झगड़े के बीच वो अनुज और अनुपमा को दोबारा साथ आने की सलाह दे देता है। वहीं देविका भी अनुज से यही कहती है कि आदिक सही था, सच्चा प्यार और सच्चा जीवन साथी मिलना मुश्किल होता है। अनुज सुनता है और वहाँ से चला जाता है। उधर अनुपमा खुद सबके लिए खाना बनाने की सोचती है और वहीं बा और बाबूजी घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। आद्या श्रुति को फोन करती है और सोचती है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। वनराज सोचता है कि वो बा और बाबूजी से बात करेगा लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाता है। उधर बा और बाबूजी धीरे धीरे सबसे दूर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। काव्या बा से डिम्पी और तपिश की आरती करने के लिए कहती है लेकिन बा उल्टा उसे ऐसा करने के लिए कह देती है और वो कहती है कि मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी और उससे भी सब कुछ सीखना होगा। ये सुनकर सब थोड़ा चौंक जाते हैं। वहीं हल्दी के फंक्शन के बीच अनुज अनुपमा के लिए गजरा लाता है और उसे पहनने के लिए भी कहता है। वहीं अनुपमा खुद को देखकर ये सोचती है कि ये सब गलत है। फंक्शन के बीच दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा देते हैं जो कि श्रुति देख लेती है। श्रुति ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और अनुपमा को अनुज से दूर करने के लिए अनुज के चेहरे पर लगी हल्दी को मिटा देती है। वो कहती है कि ये हक सिर्फ और सिर्फ उसका है। उधर श्रुति अनुज के साथ अपना खुशनुमा वक्त बिताती है और अनुपमा दुखी नजर आती है, लेकिन ये दुख जल्द ही गुस्से में बदलने वाला है क्योंकि अनुपमा को मौका मिलेगा श्रुति से बदला लेने का, जब उसे पता चलेगा कि श्रुति ही वो इंसान है जिसने अमेरिका में उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। अब ये देखना मजेदार होगा कि अनुपमा श्रुति का सच अनुज और बाकी सबके सामने कैसे लाती है। अनुपमा